सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स को MSI ऐप प्लेयर में खेलते हैं तो इसमें लैग का इशू आ रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, उसे अगर आप लोग कर लोगे तो आपका जो ये लैग का इशू है वो फिक्स हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दोस्तों वो सेटिंग्स बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर हमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पर डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये जो होगा सैमसंग गैलेक्सी S2 अल्ट्रा इसे चेंज कर देना है, और इसे कर देना है Asus ROG 2। ये करने के बाद सेव कर दीजिए। ये हो गया। अभी दोस्तों फ्री फायर ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलो कोई नहीं, ये दोस्तों चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस में जाना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्या चीजें इसमें है, वही आप लोगों को रखनी है। आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में दोस्तों काफी सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनका ये 1600x1900 होता है, तो ये होता है। लेकिन दोस्तों आपको ये कर देना है 1280x720 आपको कर देना है, फिर दोस्तों सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा आपके सामने रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन। आप लोग रिस्टार्ट नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो दोबारा से दोस्तों ये चालू होगी, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यू मे एक्सपीरियंस स्लो। चलो कोई नहीं, हम लोग कर देंगे दोस्तों कंटिन्यू एनीवे। इसके बाद और एक सेटिंग बताऊंगा जिसे कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों अगर फिर भी लैग का इशू आता है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपने कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन को जरूर एनेबल कर देना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन ऑन है कि ऑफ है, वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं और कैसे ऑन करना है। इसके ऊपर आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को क्लिक करेंगे एक साथ में, तो यहाँ पर दोस्तों ओपन होकर आ जाएगा टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में हम लोग जाएंगे, या फिर आप लोग यहाँ पर नीचे सर्च करके भी टास्क मैनेजर में जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे दोस्तों हम लोग परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि डिसेबल, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा CPU में। ये रहा, आप लोग देख सकते हो कि हमारा तो इनेबल है। ये चीज आपको चेक कर लेनी है। अब आते हैं दोस्तों MSI ऐप प्लेयर में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ये सेटिंग हम लोगों ने कर ली। अभी दोस्तों ये आया डिस्प्ले, तो हम लोगों ने कर लिया। अभी दोस्तों ये आया है एंजिन। एंजिन में दोस्तों यहाँ पर 1500 होगा। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर आपके PC में कितनी रैम है। आपके PC में दोस्तों हो सकता है कि 4GB रैम हो, 8GB रैम हो। 4GB रैम हो तो दोस्तों आप लोग 1500 रखना या फिर 1600 कर देना, और भाई 8GB रैम है तो 2GB कर देना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी रैम बढ़ा देते हैं 2GB, और अभी सेव कर देंगे। दोबारा से भाई रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा तो इसे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों एमुलेटर चालू हो रहा है दोबारा से, और अभी चालू होने देते हैं इसको। तो दोस्तों सारा कुछ हो चुका है, रिस्टार्ट विस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों दोबारा सेटिंग में जाएंगे, और एक चीज दोस्तों ये है कि एंजिन में जो CPU है वो आपको देख लेना है कि आपके CPU में कितने कोर है। वो भी आप लोग दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को प्रेस करके टास्क मैनेजर में जाके भाई आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके CPU में कितने कोर है। 4 कोर है, 2 कोर कर देना, 2 कोर है, 1 कोर कर देना, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीजें देख सकते हो, लेकिन फिर भी लैग होता है तो दोस्तों आप लोग ये भी चेक कर लेना, और सेव कर देंगे और रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अगर लैग होता है तो ही आपको करना है, वरना नहीं करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको गेम को चेक करना है जाके कि लैग होती है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो दोस्तों नहीं होगी। अगर होती है तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका, और एक और सॉल्यूशन मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा।